Assalamu alaikum 5 class, how are you students? I hope you are fine. Students, I am your SST teacher and I will teach you the subject social studies. Student, today we discuss about lesson number 10. Now we are going to start lecture number 10. This lesson name is Information Communication. This lesson name is Information Communication. Students, information is knowledge. Information क्या है? Knowledge है, ठीक है? About any issue, problem, event. Information mean knowledge about any issue, problem, events. किसी भी वाक्य के बारे में, कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, उसके अबाउट जो नॉलेज है उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेशन मीन वेज ऑफ कीपिंग इन टच विद समवन एल्स. कोई ऐसे वेज हैं जिससे हम क्या करते हैं, किसी के साथ टच में रहते हैं, ठीक है. वी यूज़ डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन लाइक पोस्ट ऑफिस, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, ठीक है. कम्युनिकेशन मीन्स वेज ऑफ कीपिंग इन टच विद समवन एल्स. स्टूडेंट्स, वी रिसीव एंड कन्वे इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम एंड यूज अ नंबर ऑफ वेज टू डू दिस. हम रिसीव करते हैं, ठीक है, हम दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं इंफॉर्मेशन को, हर वक्त हमारा यही काम होता है, ठीक है. यूज़ अ नंबर ऑफ़ वेज टू डू दिस. इसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ वेज यूज़ करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल, कन्वर्सेशन एंड एक्शंस इज आल्सो अ वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग. Information communication. Information is knowledge about an issue, problem, event, process or subject. Information क्या है? Knowledge है. कोई भी issue है, कोई भी मसला है, कोई भी problem है, ठीक है, उसके about जो knowledge है उसको क्या बोलते हैं? Information. We receive and convey information all the time and use a number of ways to do this. ठीक है, ये वही बात जो मैंने बताई है अभी. कन्वर्सेशन एंड एक्शन इंक्लूडिंग बॉडी लैंग्वेज कन्वे इंफॉर्मेशन. ठीक है बच्चों, उन्होंने कहा कन्वर्सेशन से, एक्शन से, ठीक है. कन्वर्सेशन जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उससे भी एक्शन, उसमें बॉडी लैंग्वेज भी इंक्लूड है. मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी हम इस तरह का एक्शन करें कि इससे भी कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है. किसी को समझ नहीं आ रही है तो हम इस तरह कुछ इशारा करके बता सकते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू उसको समझा सकते हैं. ये भी क्या है, एक वे है कन्वे करने का इंफॉर्मेशन. वी कैन लिसन, रीड एंड वॉच डिफरेंट थिंग्स टू गेट इंफॉर्मेशन. हम क्या करते हैं, सुनते हैं, रीड करते हैं, देखते हैं डिफरेंट थिंग्स को, क्या करने के लिए, टू गेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए. द इंफॉर्मेशन वी गेट्स वैल्यूएबल बिकॉज इट कैन इफेक्ट आवर बिहेवियर, डिसीजंस एंड आउटकम्स. इंफॉर्मेशन जो है, जो हमें हासिल होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जो हम इर्द गिर्द से जितनी भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं वो बहुत वैल्यूएबल है. बिकॉज इट कैन अफेक्ट आवर बिहेवियर, डिसीजंस एंड आउटकम्स. क्योंकि इसने अफेक्ट करना है, इसने असरअंदाज होना है हमारे बिहेवियर के ऊपर. अगर हमने कुछ सीखा होगा तो हम अच्छा बोलेंगे. डिसीजन बाज़ात हम इतना कुछ सीख लेते हैं कि हमें अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है, तो फिर हमें डिसीजन लेने में भी कोई दिक्कत पेश नहीं आती, ठीक है. Second is source of information. Students, there are many ways of receiving and conveying information. ठीक है, बहुत ज़्यादा ways हैं जिससे हम information को convey कर सकते हैं, receive कर सकते हैं. All information is communicated through various mediums. The media play an important role in conveying information on a large scale. उन्होंने बोला है जो सारी मालूमात है उसको कम्युनिकेट किया जा सकता है डिफरेंट वे से, लेकिन इन सब में जो मीडिया है उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है.
एक बड़े पैमाने पे जो मीडिया जो जिस तरह इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, ठीक है, उनको तो कोई इशू नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। उन्होंने तो थ्रू सोशल मीडिया, डिफरेंट मीडिया के थ्रू उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे कर देनी है दूसरों तक, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट वे है कम्युनिकेशन का। ब्रॉडली स्पीकिंग द मीडिया कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। बड़े पैमाने पर जो मीडिया है उसको डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट वन इज़ प्रिंट मीडिया एंड सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स ऑल इंफॉर्मेशन कन्वेड थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड जर्नल्स। प्रिंट मीडिया क्या है, जिसमें शामिल होती है इंफॉर्मेशन जिसको हम कन्वे कर सकते हैं थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, ठीक है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स क्या हैं, जो रसाले होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हम कन्वे करते हैं दूसरों तक उसको क्या बोलते हैं, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब ही ये है कि बाय पेपर जो इन्फॉर्मेशन जो हम लिख के जो पढ़ के हम पढ़ेंगे, जो लिखी हुई इन्फॉर्मेशन होगी उसको क्या बोलते हैं, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया आल्सो इंक्लूड्स बिलबोर्ड्स। स्टूडेंट्स, बिलबोर्ड्स क्या है, बिलबोर्ड्स जो पोस्टिंग, ठीक है, बिलबोर्ड क्या है, पोस्टिंग, बैनर्स। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि रास्ते में कहीं जाएं तो बैनर्स लगे होते हैं, ठीक है, बिलबोर्ड्स लगे होते हैं। उनका क्या मकसद होता है, उनका यही मकसद होता है कि वो उस पर एक अच्छी बात या कुछ ऐसी बात लिख देते हैं जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले, ठीक है। पोस्टर्स नेक्स्ट क्या है, पोस्टर्स। पोस्टर्स जो हैं वो भी इसीलिए लगाए जाते हैं, पोस्टर जो बनाए जाते हैं वो भी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उस पर भी कुछ इम्पोर्टेंट लिखा होता है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो बाय पोस्टर दे सकते हैं, ठीक है। लीफलेट्स, लीफलेट्स क्या है, अ प्रिंट शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है लोगों तक, मुख्तलिफ एरियाज तक, ठीक है। लीफलेट्स क्या है, प्रिंट शीट ऑफ पेपर, इसमें भी इंफॉर्मेशन होती है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम लोगों तक भेज सकते हैं। आगे क्या है, ब्रोकर्स, ठीक है, आगे क्या है, ब्रोकर्स। स्मॉल बुक होती है ये, या मैगजीन ही बोल सकते हैं इसको भी, कंटेनिंग पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो है वो इसके अंदर से मिल सकती है। एंड डायरेक्ट मेल, डायरेक्ट मेल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अ मेल डेट प्रमोट योर बिजनेस, जो आपके एक ऐसी मेल जो आपके बिजनेस को कारोबार को बढ़ा सकती है, तो आप क्या करते हो उसको सेंड कर देते हो डायरेक्टली टू योर कस्टमर, ठीक है, अपने कस्टमर को, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इसको डायरेक्ट सेंड कर देते हो अपने कस्टमर तक, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज कन्वेड थ्रू द रिटन वर्ड एंड स्टिल इमेज ग्राफिक ऐसा, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को हम कन्वे कर सकते हैं बाय रिटन वर्ड, जो लिखे हुए वर्ड होते हैं उनके थ्रू भी, इमेज के थ्रू भी, ग्राफिक्स का क्या मतलब है, जिसमें आर्ट वगैरह आ जाती है, ठीक है, उसके थ्रू भी कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंक्लूड्स टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, फैक्स एंड एनी अदर मीडियम डैट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी। प्रिंट मीडिया में ऐसी इंफॉर्मेशन जो थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ठीक है, किसी पेपर के थ्रू, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, जिसमें टेलीविजन आ जाते हैं, रेडियोज, इंटरनेट, फैक्स। फैक्स क्या है, एक ऐसी मशीन है जिसे हम कोई भी प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रिंटर भी बोल सकते हैं इसको, एंड एनी अदर मीडियम डैट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी, और कोई भी ऐसा मीडियम जिसको बिजली की ज़रूरत होती है, वो ये सारे किस्में शामिल हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। द इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वेड थ्रू साउंड, द रिटन वर्ड्स, विजुअल, स्टिल एंड मूविंग इमेज ग्राफिक्स, ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको कन्वे किया जाता है थ्रू साउंड बोल के, ठीक है, रिटन वर्ड्स में भी, विजुअल भी, ठीक है। अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज सोशल मीडिया, एक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सोशल मीडिया। This is a powerful branch of media these days, through it is not reliable or regulated. लेकिन क्या है कि ये जो ब्रांच है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है,
ये ब्रांच जो है ये इतनी काबिल एतमाद नहीं है, बाकायदा नहीं है, मतलब इतनी अच्छी नहीं है। दिस इज सम पॉपुलर सोशल मीडिया फॉरम आर, कुछ जो पॉपुलर सोशल मीडिया की फॉरम हैं वो कौन कौन सी हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड लिंक इडियन। ठीक है, लिंक जो हम भेजते हैं, किसी को भी लिंक भेज देते हैं, वो उस पर क्लिक करके इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। नेक्स्ट, मैस एंड नॉन मैस मीडिया। मैस मीडिया मीन्स टेक्नोलॉजी डैट इज़ इंटेंडेड टू रीच अ लार्ज ऑडियंस। ठीक है, मैस मीडिया वही बच्चे, इसमें वही आ जाता है टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसमें हम कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो क्या है, मैस मीडिया। डैट इज़ इंटेंडेड टू रीच अ लार्ज ऑडियंस, और इसका मकसद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ऑडियंस तक बात पहुँचाना। ठीक है, टेलीविजन, रेडियो, द इंटरनेट, न्यूज़पेपर आर ऑल कम्युनिकेशन टू डेट कैन क्विकली कन्वे इंफॉर्मेशन टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, इनके थ्रू क्या होता है, जो ये टेक्नोलॉजीज भी इनको कह सकते हैं, एंड आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन टूल्स भी, जिससे हम क्विकली कन्वे कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को वेरी लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा लोगों तक। ठीक है, इफ़ पीपल हैव access to radio television even if they are in remote area they can have access to up to date news and current affairs। students, ऐसा हो सकता है कि अगर जो कुछ लोग जो हैं वो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, लेकिन उनकी जो पहुंच है वो टेलीविज़न तक और क्या है, रेडियो तक है, तो वो ईज़ीली जो है वो न्यूज़ जो हैं, जो न्यू न्यूज़ मिली है, वो आजकल की न्यूज़ जो है, ठीक है, वो इजीली सुन सकते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में वो इजीली जान सकते हैं। ठीक है, मौजूदा हालात के बारे में इजीली वो जान सकते हैं थ्रू रेडियो एंड टेलीविज़न। मैस मीडिया इज़ द मीन्स यूज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक। मैस मीडिया इज़ द मीन्स, इसका क्या मतलब है कि कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन को जनरल, आम लोगों तक, ठीक है, आम लोगों तक इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, पहुँचाना। द गवर्नमेंट एडवर्टाइजर्स, कैंपेनर्स, सेलिब्रेटर्स एंड अदर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स यूज द मीडिया टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन दे वॉन्ट पीपल टू नाउ टू देयर ऑडियंस। ठीक है, गवर्नमेंट एडवर्टाइजर्स, कैंपेनर्स, सेलिब्रेटर्स और अदर ग्रुप जो हैं, जो दूसरे ग्रुप्स हैं एंड इंडिविजुअल्स यूज़ द मीडिया, ये सारे क्या करते हैं, मीडिया ही यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन को जहाँ तक ये चाहते हैं, जिन लोगों तक चाहते हैं, पहुँचा सकते हैं ईजिली, किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू। मीडिया को ये सारे गवर्नमेंट, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, ये सारे भी मीडिया को ही यूज़ करते हैं अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था मैस मीडिया के अबाउट, अब क्या है, नॉन मैस मीडिया। स्टूडेंट्स, नॉन मैस मीडिया इंक्लूड्स टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक अ लेक्चर टू अ लिमिटेड ऑडियंस, डिस्कशंस एंड टॉक्स इन अ क्लोज्ड रूम, अनाउंसमेंट फ्रॉम अ मॉस्क और लेक्चर्स ऑन रिलीजन फ्रॉम प्लेसेस ऑफ वर्शिप। स्टूडेंट, नॉन मैस मीडिया जो है इसमें क्या है, ऐसे टूल्स शामिल हैं जैसे कि हम कोई लेक्चर देते हैं किसी ऑडियंस को, तो उससे उनको क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, डिस्कशन करते हैं, टॉक करते हैं इन अ क्लोज रूम, किसी भी रूम में काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे, टॉक करेंगे, ठीक है, उससे भी क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अनाउंसमेंट, अगर किसी मस्जिद में कोई अनाउंसमेंट हो, ठीक है, कोई ऐलान हो, आपको घर बैठे तो नहीं पता होता, जब ऐलान होता है तब आपको पता चलता है कि इस तरह हो गया, ठीक है, आपको ये भी एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेक्चर्स ऑन रिलीजन फ्रॉम प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो वर्शिप की प्लेसेस हैं, मतलब जहाँ जो जहाँ पे जाता है इबादत करने के लिए, वहाँ पे लेक्चर्स दिए जाते हैं हर रिलीजन के ऊपर, हर एक का अपना रिलीजन है, तो हर किसी को उसके रिलीजन पर लेक्चर्स दिए जाते हैं, ये भी क्या है, एक और वे है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, मैस मीडिया इज़ वेरी इफेक्टिव एज इन नो टाइम इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स टू फॉर ऑफ प्लेसेस। ठीक है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत असरानंदाज है मैस मीडिया जो है। ठीक है,
ये काबिले दिमाग और ये बहुत इसके लिए दूर दराज इलाकों तक भी नहीं जाना पड़ता जो मैस मीडिया है, इसमें घर बैठे हम बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। मैस मीडिया हैज़ क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट देयर राइट्स, और ये क्या क्रिएट करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है लोगों के दरमियान, ठीक है, बेदारी उनको बेदार करता है कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ें, ठीक है, वो अपने राइट्स हासिल करें, ये उनका हक है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।